डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेवन फीचर्स ऑफ क्लास प्रोजेक्ट आईडी। एलडी की जो फर्स्ट है वो 11 क्लासेस में बांटा गया था एलडी को, उनके सेलिंग फीचर्स क्या हैं, उनके मेन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं। तो ये कैरेक्टर्स किस आधार पर बांटे गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऊर्जा फूल फ्लैजिला एंड सेल वॉल कंपोजिशन। इन ये चार पॉइंट के आधार पर एलडी की क्लासेस को डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे क्लास क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जिनके कारण क्लोरोफाइसी का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड होता है स्टार्च और फ्लैजिला होते हैं इधर 1 और 2 और 4, एक भी हो सकते हैं 2 या 4, और सभी फ्लैजिला का इक्वल है, सभी फ्लैजिला की साइज जो है बराबर है। ये एंटीरियर होते हैं और रिप्लेस टाइप के, रिप्लेस मैंने आपको बताया था जिनमें हेयर नहीं होते उन फ्लैजिला को क्या बोलते हैं, रिप्लेस होते हैं। और ये अग्रभाग से निकलते हैं, सबसे आगे के भाग से निकलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एंटीरियर। इसका जो सेल वॉल कंपोजिशन है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज। तो ये सेल वॉल में पाई जाती है, और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की, पेक्टिन की या हेमीसेलुलोज की। इसके बाद दूसरा क्लास आता है जैंथोफाइसी। इन जैंथोफाइसी में पिगमेंट्स होते हैं जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। इन पिगमेंट के कारण इसका जैंथोफाइसी का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। और इसके अंदर रिजर्व फूड है फैट एंड निकोसिन। इसके फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नंबर 2, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, विच आर अनइक्वल इन साइज, एक बड़ा है एक छोटा है। एंटीरियर आगे के भाग से निकलते हैं, विप्लेस और टिंसल दोनों टाइप के होते हैं ये, विप्लेस और टिंसल, माने कि इसमें हेयर भी हो सकते हैं और हेयर भी नहीं भी हो सकते हैं। और इसकी जो सेल वॉल है वो पेक्टिन की बनी होती है। अब जो थर्ड क्लास है चेरिसोफाइसी, चेरिसोफाइसी में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं फाइकोचेरिसिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। इन पिगमेंट के कारण चेरिसोफाइसी का कलर होता है गोल्डन ब्राउन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी। इसके अंदर जो रिजर्व फूड है वो है निकोसिन एंड ऑयल, और इसके फ्लैजिला उसमें आइदर 1 और 2 फ्लैजिला इक्वल है, दोनों का साइज बराबर है और अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। इंटीरियर पार्ट से निकलते हैं बोथ विप्लेस, दोनों फ्लैजिला विप्लेस टाइप के भी हो सकते हैं, और 1 विप्लेस एंड 1 टेंसिल, एक फ्लैजिला विप्लेस टाइप का दैट इज विदाउट द हेयर, और एक टेंसिल टाइप का हो सकता है दैट इज विद हेयर। और इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। नाउ द थर्ड क्लास इज बेसिक रेडियोफाइसी, जिसको हम डायटम भी बोलते हैं। इसमें पिगमेंट है डायटोमिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड्स। इसके अंदर फूड रिजर्व है फैट और निकोसिन। इसके फ्लैजिला, इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, ओनली 1 फ्लैजिला इज प्रेजेंट, एंड इट इज टिंसल टाइप दैट इज विद हेयर, और एंटीरियर हाफ से निकलता है, एंड ऑनली प्रेजेंट इन मेल गैमेट, फ्लैजिला ओनली प्रेजेंट इन मेल गैमेट में पाया जाता है। इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन पैक्टोज और ऑर्नामेंटिंग, ऑर्नामेंटिंग मीन जो इसकी सेल वॉल है वो इसके अंदर कई तरह की स्कल्पचर लगे होते हैं, नकली बॉल इस तरह से इसकी ऑर्नामेंटेड सेल वॉल पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑर्नामेंटेड सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिकॉन, किसी और भी किसी भी क्लास में सिलिकॉन की नहीं बनी हुई थी, केवल बेसिक ड्यूरोफाइसी में इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी में पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल। इसमें जो रिजर्व फूड है वो है स्टार्च, और इसके फ्लैजिला 2 पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं विच आर अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा, और टिंसल टाइप के हैं और एंटीजन पार्ट से निकलते हैं।
नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्लास इज गाइनोफाइसी, हियर द पिगमेंट्स आर फाइकोपाइरिन, पेरिडिनिन, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जैंकोफिल। विजर फूड इज स्टार्च एंड ऑयल एंड फ्लैजेला आर टू फ्लैजेला व्हिच आर अनइक्वल एंड लैटरल साइड और दे आर ऑफ द प्रीवियस टाइप। प्रीवियस टाइप की है, वन फ्लैजेला ट्रांसवर्स है, एक फ्लैजेला ट्रांसवर्स है, इस तरह से इट इज कॉल्ड सिंगुलम एंड वन फ्लैजेला इज वर्टिकल, इट इज कॉल्ड सल्कस। इस तरह से दो फ्लैजेला है, एक ट्रांसवर्स है और एक वर्टिकल है। तो ट्रांसवर्स फ्लैजेला इज कॉल्ड सिंगुलम सी आई एन जी यू एल यू एम एंड वर्टिकल फ्लैजेला इज नोन एज सल्कस। इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ गाइनोफाइसी। सेल वॉल, हियर सेल वॉल इज एब्सेंट और मे बी प्रेजेंट, और इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, अगर प्रेजेंट है तो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। नाउ द नेक्स्ट इज क्लोरोमोनेडिनी, नेक्स्ट क्लास इज क्लोरोमोनेडिनी, हियर द पिगमेंट्स आर जैंकोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। द रिजर्व फूड इज फैट एंड फ्लैजेला आर टू इन नंबर, दे आर इक्वल अराइज फ्रॉम द सेम इनवेजिनेशन और सेम कॉल से निकलते हैं एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। द नेक्स्ट क्लास इज यूग्रिनोफाइसी, हियर द पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी, रिजर्व फूड आर फैट एंड पैरामाइरॉन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पैरामाइरॉन एंड फ्लैजेला आर वन और टू एंटीरियर एंड प्रिंसिपल टाइप। सेल वॉल इज एब्सेंट, हियर द सेल वॉल इज एब्सेंट। द नेक्स्ट क्लास इज थियोफाइसी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी, हियर द पिगमेंट्स आर फिकोजेनिक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, रिजर्व फूड इज लैमिनेरियन स्टार्च एंड फैट, फ्लैजेला आर टू इन नंबर, दे आर लैटरल इन पोजिशन अनइक्वल रिप्लेस एंड प्रिंसिपल टाइप। दो फ्लैजेला है जो लैटरल साइड निकल रहे हैं अनइक्वल है एंड वन फ्लैजेला इज रिप्लेस एंड वन इज इनसेल। सेल्यूलोज इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विद ऑलिगोसैकेराइड। द नेक्स्ट फैमिली रोडोफाइसी, हियर द पिगमेंट्स आर सी फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, रिजर्व फूड इज क्लोरीन एंड स्टार्च, फ्लैजेला एब्सेंट। सेल्यूलोज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विद लैक्टिक मटेरियल। देन मिक्सोफाइसी, दिस फैमिली इज आल्सो कॉल्ड साइनोफाइसी, हियर द पिगमेंट्स आर सी फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, एलो फाइकोसाइनिन एंड कैरोटीनॉइड्स। रिजर्व फूड इज साइनोफाइसिन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट साइनोफाइसिन स्टार्च एंड हियर द फ्लैजेला एब्सेंट एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, ग्लाइकोपेप्टाइड एंड हेमी सेल्यूलोज। सो दीज आर द सेवन फीचर्स ऑफ ऑल द फैमिली डिस्क्राइब्ड बाय फिश ऑन द बेसिस ऑफ फोर कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड, फ्लैजेला एंड सेल वॉल कंपोजिशन। थैंक यू।